मामला उधम सिंह नगर के बाजपुर का है, जहां पर एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा इंस्टाग्राम पर अध्यापिका के नाम से फेक आईडी बनाकर आपत्तिजनक पोस्ट वायरल की जा रही है, जिससे विद्यालय की अध्यापिकाओं में डर का माहौल बना हुआ है। मामले की पूरी जानकारी विद्यालय के प्रबंधक सुनील खन्ना एवं अध्यक्ष नरेंद्र खत्री द्वारा दी गई, और ये भी बताया गया कि लगभग 4 माह से पुलिस से लगातार लिखित में शिकायत की जा रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन मौन है, जिससे युवक के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। और पुलिस की तरफ से कार्यवाही नहीं किए जाने से विद्यालय की अध्यापिकाओं में डर का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि बाजपुर के कन्या इंटर कॉलेज की अध्यापिकाओं के नाम से इंस्टाग्राम पर फर्जी अकाउंट बनाकर पोस्ट वायरल की जा रही है, जिससे विद्यालय और अध्यापिकाओं की छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके संबंध में अध्यापिकाओं द्वारा पिछले लगभग 4 से 5 माह से अपने शिकायती पत्र कोतवाली में दिए जा रहे हैं, लेकिन उनका कोई भी अभी तक समाधान नहीं किया गया है, जिससे विद्यालय प्रबंधन में असंतोष का माहौल बना हुआ है। 4 माह पहले हमारी एक स्कूल की बेटी की आईडी किसी ने इंस्टाग्राम पे डाली, अश्लील फोटो बना के उसके इंस्टाग्राम पे डाली। उसके गार्जियन के द्वारा, उस बच्ची के द्वारा बाजपुर थाने में 4 माह पहले अप्रैल में सूचना दी गई, लेकिन उसके उपरांत 4 माह के बाद भी, 4 माह बीत जाने के बाद प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई उस पर नहीं की गई। तो उस अपराधी प्रवृत्ति की व्यक्ति के इतने हौसले बुलंद हो गए कि उसने फिर जुलाई माह के अंतिम सप्ताह में विद्यालय की 3 अध्यापिकाओं की फोटो फिर इंस्टाग्राम पर डालनी चालू कर दी। उसमें बैकग्राउंड में कभी विद्यालय की फोटो लगा देता है, कभी हटा देता है, कभी विद्यालय के नंबर डाल देता है, कभी नंबर हटा देता है, लेकिन प्रशासन मौन, क्योंकि प्रशासन के संग तो ये घटना घटी नहीं। किसी राजनीतिक नेता की बेटी के साथ तो घटना घटी नहीं, ये तो इस गरीब की बेटी के साथ घटना घटी, और प्रशासन मौन सो रहा है। 3 दिन से हम लोगों ने जितने भी इससे संबंधित विभाग है उन सबको रजिस्टर डाक से उनकी मेल आईडी पे सबको मेल भेजे, लेकिन उत्तराखंड जैसे राज्य में जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।